किर्गिस्तान से है, जहां पर बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों के एक ग्रुप पर हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तान के 3 छात्रों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय छात्रों पर भी हमला हुआ है। पता ये चला कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं, और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। और बहुत ज्यादा हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, और पाकिस्तान के सफारतखाने को जागने की जरूरत है और पाकिस्तान के एम्बेसी को जागने की जरूरत है। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। कि जो इंडियन गवर्नमेंट है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से, जो वहाँ पर किर्गिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन इशू कर दी गई है, हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और उनसे रब्ता रखा जा रहा है, और कहा यह गया है कि सब अपने हॉस्टल्स में रहें, सब अपने कमरों में रहें, बाहर ना निकलें। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है, तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। तो देखिए, इंडिया की तरफ से तो हेल्पलाइन इशू की गई, उन्होंने फौरन बता दिया और ये खबर आ गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन इशू की गई है? नमस्कार दोस्तों, आज इस खबर को सुनने के बाद शायद आज आपको पाकिस्तानियों पर तरस आ जाए। जी हाँ, हुआ कुछ यूँ है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के स्टूडेंटों पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, और हमला भी इस तरह किया गया है कि जिसमें 3 से ज्यादा पाकिस्तानियों की बेबजाई जान जा चुकी है। जी हाँ, और न्यूज रिपोर्टरों की तरफ से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कुछ भारतीय स्टूडेंटों पर भी हमला किया गया है। जी हाँ, इसी खबर को देखते हुए भारतीय सरकार यानी डॉक्टर जयशंकर ने किर्गिस्तान में रहने वाले भारतीय स्टूडेंटों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया है, और सभी भारतीय स्टूडेंटों को अपने रूम या हॉस्टल से बाहर न जाने की सलाह भी दी है। और अगर यहीं पे बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा दावा करते हुए कहा है कि ना तो हमारे किर्गिस्तान में कोई स्टूडेंट की जान गई है और ना ही हमारे कोई स्टूडेंट घायल है। परंतु पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिसमें किर्गिस्तान में रहने वाले 3 पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है। परंतु दोस्तों, अभी तक इस खबर को लेकर और कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। खैर दोस्तों, अब इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं, और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। हुआ यह है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहाँ के लोकल्स ने किर्गिस्तान बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस घुर कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़ कर घसीट के निकाला गया है, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। अभी पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक डिमार्श दिया है किर्गिज एम्बेसडर को इस्लामाबाद में, और कहा है और पूछा है कि भाई ये क्यों ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है, इस पे हमें बताया जाए। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पर कोई मसला बना है, तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते जी हम तो जहाज़ भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने कह के रशिया से और यूक्रेन से उनकी जंग रुकवा दी। ये एक आप कह लें कि वो जैसे कह देंगे ना कि उनकी बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि मोदी साहब ने हमारे लिए जंग रखवा दी, तो इस तरह की चीज़ें भी, सो दे डू रिक्वायर या नहीं रिक्वायर, वो एक सेकेंड चीज़ है। वो टेक केयर ऑफ आर पीपल वेयर एवर दे आर, मुश्किल में तो जहाज़ भेजो, हुकूमत से वहाँ पे बात करो, अपने लोगों को फॉलो करो।
सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों की का ख्याल कर रहा है।